आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? जी मेरे को हो गए 3 साल। पढ़ाई कितने की है आपने? पढ़ाई कब चल रही है या पढ़ाई? जी मेरी चल ही रही है, अभी चल रही है जी। कोई परेशानी थी जो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, अब मैंने फिर से चालू कर दी है पढ़ाई। क्या कर रहे हैं अभी? जी मैं बीए कर रही हूँ। बीए कर रही? हाँ जी। तो मैं बाहर जाने की भी पढ़ाई साथ में कर रही हूँ, मेरी दोनों पढ़ाई साथ में चल रही है। और मैं मतलब अपना घर का भी खर्चा चलाती हूँ। यहाँ परिवार में मेरे 2 भाई हैं जो कि छोटे हैं, और 2 बहनों की शादी होगी, एक मेरे से छोटी बहन है। अच्छा, तो जी आप ही बड़ी हैं जिम्मेदार, माता पिता? जी अम्मा, हमारे पिता जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है, पिताजी नहीं है। जी तो कितना रुपए यहाँ से मिल पा रहा है आपको? रुपए तो वही सर, आपको पता ही है 5,000 मुश्किल से ही आते होंगे। हमारा हाल तो आप देख ही चुके हैं, अब इतनी देर से बोलते बोलते, अब ये शाम हमें बीत चुकी है, सुबह से लेकर शाम हो गई है, बोलते बोलते परेशान है। बाकी मेरी माँ को मेरे से तो कोई वो नहीं है, सपोर्ट नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। चाहती थी कि माँ को सपोर्ट करे? चाहती थी बहुत सी, मतलब दिल में उम्मीदें हैं जो माँ के लिए बहुत है, नहीं कर पा रहे। अब देखिए, माँ के लिए करना चाहती है, परिवार के लिए करना चाहती है, ऐसी और भी यहाँ पर बच्चियाँ हो सकती हैं, नहीं बोल पा रही होंगे क्योंकि बोलेंगे कैमरे के सामने तो ठेकेदार निकाल देंगे, कंपनी वाले काम पे नहीं रखेंगे। ये हकीकत है रुद्रपुर के सिडकुल की। इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो धमकाते हैं। घर की प्रॉब्लम देख के नहीं, घर की प्रॉब्लम देख के मेरी पढ़ाई भी छूट गई। घर की प्रॉब्लम देख के मैं 2017 से लगा हुआ हूँ, 57 सैलरी से हम सब साथ के हैं आज तक। ये बताओ, 2005 में जब थे तो 2005 से 12 तक एग्रीमेंट लगाया, एग्रीमेंट का मतलब टेम्परेरी वर्कों के लिए एग्रीमेंट था, 500 रुपए का था साल में, पर एग्रीमेंट था। यहाँ उससे 2012 से एग्रीमेंट ही खत्म कर दिया। आप लोग कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 6 साल हो गए सर, कोई पैसा नहीं बढ़ा है। कितना पैसा मिल रहा है अभी? वो जाते हैं 4,000-5,000, ड्यूटी पूरी नहीं मिलती है। जी आपको कितना मिल रहा सर? वही मिलता है 6,000-7,000 रुपया। 6,000-7,000 चल जा रहा है परिवार? नहीं चल रहा है सर, 1 रुपया नहीं बचता है। बोलो तो कहते हैं ना, धमकी देते गेट बंद करेंगे, ज्यादा बोलोगे निकाल देंगे। निकाल देंगे, वो वापस करते हैं, रात हो चाहे मतलब दिन हो, तो वापस करना है तो करना, ज्यादा मैन पावर हो गई इन लोगों का। हाँ ड्यूटी नहीं पूरी, मैन पावर ज्यादा हो रही तो वापस करते ही है, और 5 साल से हम भी काम कर रहे हैं। कई बार आप यहाँ पर आकर यहाँ से वापस वापस चले जाते बिना काम के भी? अंदर मतलब वापस जाते हैं, फिर इन्हें कोई मतलब नहीं, कहीं जाए कोई मतलब नहीं, मैन पावर सवारी मिले या मत मिले, इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये है उत्तराखंड का विकास। ताजा मामला ब्रिटानिया कंपनी का है। ये मजदूर इस समय हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं। सिडकुल की तमाम सारी कंपनियों में इस तरीके का श्रमिक असंतोष आप देख सकते हैं। कितने साल हो गए आपको? 18 साल ब्रिटानिया में, 2005 से आया हूँ। रो के करते हैं, रो के गुजारा, घर वाले कहते हैं लानता पाते हैं। हाँ। कि ब्रिटानिया में क्या कर रहे हो, इतने साल से क्या कर रहे हो, तुम्हारा पैसा कौन नहीं बढ़ रहा? तो दूसरी जगह आप जा नहीं पाते कहीं? दूसरी जगह कौन लेगा, अब बुढ़े हो गए हम, 37-38 साल हो गए, कौन लेगा हमें? तो ये जवानी में आए थे, देख सकते हैं दर्शकों, जवानी सारी यही बता दी, बुढ़ापा हो गया, 18 साल हो गए। 18 साल में प्रोग्रेस ये है, 1800 से 9,000 तक पहुँचे हैं। कैसे चलेगा काम? आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हमें 7 साल हो गए। 7 साल से कितनी सैलरी रही होगी आपकी? 8,200 रूपए। 8,200 मिलता है सैलरी, वही 8,200 रूपए हम लोगों की। लेकिन SIPF कटने के बाद में सर ड्यूटी पूरी मिल नहीं पाती है। हाँ। और SIPF कटने के बाद ड्यूटी पूरी आती है 5,000 रूपए महीने के। जी कितने समय से आप काम कर रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से। तो कितनी सैलरी है अभी आपकी? कभी 5,000 आती है, कभी 4,500 आती है ड्यूटी। काम चल जाता है इससे? इतनी सैलरी चलता है, बच्चे भी नहीं पल रहे हैं, किराया नहीं निकल रहा है कमरे का। आप कहाँ के हैं? हल्द्वानी। हल्द्वानी से। तो आप कब से हैं इस कंपनी में? जी अभी मुझे 2 ही महीने हुए। 2 महीने हुए हैं। तो आपको कितनी सैलरी मिलती है? 3,000 मिली है। 3,000 मिली है। कितने दिन काम मिला आपको? जी 13 ड्यूटी मिली। तो चल जाता है, गुजर बसर हो जाती है क्या? नहीं, कैसे चलेगा, 8,000 तो कमरे का किराया ही है मेरा। तो अभी क्या हुआ था, अचानक से आप लोग क्यों आए बाहर? सर हमें काफी टाइम हो गया, कम से कम 1 घंटा तो हो गया लगभग हमें। हमें पहले उन्होंने बोला कि ठीक है कुछ लोग आके आप लोग हमसे बात कर लो। हम लोग अंदर गए, मतलब 4 जेंट्स गए थे, 4 हम लड़कियां गए थे। अंदर हम गए, उन्होंने हमसे बात की, बात करने के बाद हमसे बोल रहे थे कि बताओ आपकी क्या मांग है। मैंने फिर बोला, हम सब ने बोला, मैंने कहा सर हमारे इसमें 8,300 रुपये जो आपकी आपने है जो यहाँ पे सैलरी देते हो आप, जिसमें से हमारी 4,000 या 5,000 आती है उसमें, वो भी 26 ड्यूटी हमें मिलती नहीं है, हम लोग आए दिन वापिस जाते हैं। तो मैंने ये बात उनसे बोली, मैंने कहा सर आप हमारी सैलरी बढ़ाएं, बस हमें जो मेन प्रॉब्लम है सैलरी की है, बाकी वापिस कर देते हैं, कार्ड नहीं लेते, अंदर बुलाते हैं, 1 घंटा काम कराया, बोल देते हैं मैन पावर पूरी हो गई, वापिस जाओ। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं पिथौरागढ़ से। तो कितना सैलरी मिल रहा है आपको यहाँ? सर 6,000 से ऊपर कभी नहीं जाती।
छह साल से ऊपर नहीं मिला? कितना समय हो गया आपको काम करते हुए? मेरे को एक साल हो गया। एक साल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं वो वर्कर ही यहाँ पर मशीन को ऑपरेट करते हैं। अच्छा। कई कई सालों से मशीन चला रहे हैं, ठीक है, और उनको कोई स्किल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं दिया। जी। ठीक है, यहाँ पर इंटरमीडिएट पास हैं, हाई स्कूल पास है, जो बड़े बड़े कुछ 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 ऐसे भी हैं जो डिप्लोमा वाले भी हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई स्किल सर्टिफिकेट नहीं दिया अभी तक कोई। ठीक है, स्किल सर्टिफिकेट अगर दें तो हम कहीं और इंडस्ट्री में जाकर के हम इससे बेटर सैलरी में हम काम कर सकते हैं। ये सिटकुल जो उत्तराखंड के विकास के लिए रखा गया था, यहाँ के नौजवानों के लिए रखा गया था कि यहाँ के नौजवान बाहर नहीं जाएंगे, उनको यहीं बैठकर काम मिलेगा, ये भीड़ तैयार हो गई है जो 6,000 में पिथौरागढ़, मुनस्यारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पहाड़ के दूरस्थ इलाकों से आकर यहाँ पर काम करते हैं। बरेली, बदायूं से लोग आकर यहाँ पे काम करते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, 6,000 8,000 रुपए इन लोगों को सैलरी मिलती है और उस सैलरी में ये कैसे गुजारा कर सकते हैं आप समझ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट को लेकर हम दोबारा आपके बीच में आएंगे। फिलहाल यही निवेदन रहेगा कि अनसुनी आवाज के साथ बने रहिए, अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।